Assalamu alaikum, I am Dr. Sheeba Akram. I welcome you in my healthcare guideline chat. आज हम अपनी सीरीज प्रेगनेंसी विद एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. आज का टॉपिक है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, हमल के दौरान होने वाली बहुत ज्यादा वॉमिटिंग. इस टॉपिक का अगर हम इंसिडेंस देखें तो ये प्रेग्नेंट खवातीन में बहुत ही कॉमन है और 80% ऑफ फीमेल्स जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की कंप्लेन करती हैं. इंसिडेंस के बाद अगर हम इसकी वजह जान लें तो प्रेगनेंसी के दौरान चूंकि बीटा एचसीजी लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये वॉमिटिंग होती है. चूँकि ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में और मल्टीपल प्रेगनेंसीज में बीटा एचसीजी लेवल जो है वो आम प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा होता है, तो उन केसेस में वॉमिटिंग ही ज़्यादा होती है. इसके अलावा वॉमिटिंग की और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिन्हें रूल आउट करना ज़रूरी है. उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये जो वॉमिटिंग है ये प्योरली प्रेगनेंसी की वजह से है. अब देखें तो इसमें सबसे पहले जो पेशेंट है वो जो भी अलामात के साथ आ रही है उसमें वो सुबह जब सो के उठती है तो उसको ज़्यादा वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है, उसको नॉजिया फील होता है, वॉमिटिंग होती है और हाइपरसेलिवेशन होती है. तो इसके साथ उनका कुछ लॉस ऑफ एपिटाइट का मसला भी होता है, वो ज़्यादा खाना पीना नहीं करती और कम खुराक खाने से उनके मसल्स वेस्ट होते हैं, उनको वीकनेस होती है और ज़्यादा उल्टी करने से पानी की कमी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और डिहाइड्रेशन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस पैदा होता है उससे उनकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन भी आ जाता है. तो ये सारी अलामत के साथ हमें पेशेंट का जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो बहुत डिटेल से करना पड़ता है कि उसमें ना सिर्फ ये कि किस ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी है वो देखते हैं बल्कि उसके साथ ये भी देखते हैं कि उनका जो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन है वो डिटेल से किया जाता है और इसके अलावा उसको मुख्तलिफ जो कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको लेके भी एग्जामिनेशन किया जाता है. अगर टेस्ट्स की बात की जाए तो इसमें ब्लड काउंट्स के अलावा ब्लड शुगर रैंडम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट के साथ साथ फिर सीरम एमिनेंस लेवल भी चेक करा लेना चाहिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सीरम फॉर एच पायलोरी. एच पायलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है, वॉमिटिंग की रीज़न हो सकता है, लिहाजा उसको रूल आउट करना ज़रूरी है. लेकिन जो वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसमें ये सारे टेस्ट जो हैं ये नॉर्मल होते हैं. लेकिन वॉमिटिंग जो है वो स्टार्ट कब होती है, फोर्थ वीक से लेके सेवन वीक तक ये स्टार्ट हो जाती है. नाइन वीक्स पे इसका जो है इंसिडेंस वो पीक पे होता है और 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद ये वॉमिटिंग जो है ये सेटल होना शुरू हो जाती है. तो लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जिनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है और उनकी प्रीवियस जो प्रेगनेंसीज हैं उसमें भी वो इस वॉमिटिंग को झेल चुकी होती हैं. तो ये अगर सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है, बाकी चीज़ें नहीं हैं और बस यही चीज़ है तो इसका मतलब है ये वॉमिटिंग की कोई और रीज़न नहीं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी एंड दिस इज हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम. अगर आप इसकी शिद्दत की बात करें तो समटाइम्स ये बहुत शदीद होती है, यहाँ तक कि पेशेंट कुछ खा पी नहीं सकती, बहुत वीक हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और उसके मसल वेस्ट हो जाते हैं. ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं और उसको इंट्रावीनस फ्लूइड और इंट्रावीनस ड्रग्स दी जाती हैं, एंटी एमेटिक मेडिसिन दी जाती है, एम्प्टी स्टमक और साथ में समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टी विटामिन को ऐड किया जाता है क्योंकि मल्टी विटामिन जो हैं वो पेशेंट की वीकनेस को भी दूर करते हैं और उसकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में भी और प्रिवेंट करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं. लेकिन अगर माइल्ड सी वॉमिटिंग है तो फिर वो घर पे ही ठीक हो जाएगी, आप उसको एंटी एमेटिक दें. लेकिन ये एंटी एमेटिक ऐसे होते हैं जिनका बेबी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि पास्ट में ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि इस किस्म की मेडिसिन दी गई जिसने बच्चे के ऊपर बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स डाले, यहाँ तक कि बच्चों के हाथ पाँव भी डिवेलप नहीं हुए और टेट्राइमीलिया की कंडीशन जो है वो सामने आई. लेकिन आज के दौर में ऐसी एंटीएमेटिक्स मौजूद हैं जो सेफली वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकती हैं. लेकिन जो जनरल मेयर्स हैं उनका लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो एक ही टाइम
में बहुत ज्यादा खाना मत ले, छोटा छोटा मील ले और उसको प्रॉपर वक्फे से ले, और खाने के फौरन बाद लेट ना जाए बल्कि एक्टिव रहे, उसे डाइजेस्ट होने दे। और इसके अलावा वो फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले और योगर्ट ले, लेकिन क्रीम के बगैर। और जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली स्पाइसी फूड है उसको अवॉइड करें, टी कॉफ़ी को अवॉइड करें क्योंकि उससे बहुत एसिडिटी और मज़ीद वॉमिटिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। और इसके साथ साथ वो ऐसी कोई जंक फूड भी ना ले जो कि डाइजेस्ट होने में टाइम ले और हाइपरेमेसिस की वजह बन सके। तो अगर ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं और इस सारे नॉलेज को अपने माइंड में रखा जाए तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम कैन बी वेरी नाइसली कंट्रोल। थैंक यू।